हिंदू विश्व स्वराज के सर संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हें नमन करता हूं। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्हें मानवंदना अर्पित करता हूं। मंच पर उपस्थित टू मोस्ट पावरफुल लेडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, श्रीमती मीरा कुमार जी और श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, ये दोनों पावरफुल तो है ही, दोनों मिनिस्टर रही है, दोनों हमारे संसद की स्पीकर रही है, लेकिन एक और समानता दोनों में है। इन दोनों को आप कभी भी देखिए, ये दोनों मुस्कुराती हुई नजर आती है। लेडीज आर ऑलवेज विद अ स्माइल, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये स्माइल उनकी सकारात्मकता का प्रतीक है। मंच पर उपस्थित श्री रघुनाथ माशेलकर जी, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, गिरीश महाजन जी, राहुल कराड़ जी, मंगेश जाधव जी, आरएम चिटनिस, हमारे स्टूडेंट लीडर्स प्रीति नेगी, तन्वी राउत, पलक गोस्वामी, विराज काले, मंचासीन, सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों के बीच मैं यहां पर उपस्थित हूं। और खुशी इसलिए है कि भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और वी आर सेलिब्रेटिंग आवर डेमोक्रेसी। हम लोग हमारे लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, लोकतंत्र पर गर्व कर रहे हैं। ऐसे समय इस लोकतंत्र को जो आगे ले जाएंगे, आने वाले दिनों में इस लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला को जो लोग मजबूत बनाएंगे, ऐसे सभी छात्रों के सामने मैं खड़ा हूं। इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है, इसका मुझे बहुत बहुत हर्ष है। और आज मराठवाड़ा मुक्ति दिवस भी है। हम जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद एक साल एक महीना करीब दो दिन मराठवाड़ा ये निजाम के राज में एक प्रिंसली स्टेट के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था, और मराठवाड़ा के नेताओं ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 17 सितंबर 1948 को मराठवाड़ा को मुक्ति दिलाई। और आज उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, किंतु आजादी का अमृत महोत्सव यह केवल राजनीतिक आजादी का अमृत महोत्सव नहीं है। हमें आजादी के अमृत महोत्सव पर गुलामी की जो जो जंजीरें हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर है, ऐसी सारी जंजीरों को समाप्त करना है, तभी हम आजाद हो पाएंगे। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है कि हम लोग गुलामी की अंतिम जंजीर को जब तक तोड़ते नहीं है, तब तक पूरे तरीके से हम आजाद नहीं हो पाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस ओर हम अग्रसर हुए हैं। आज जब हम विचार करते हैं तो जिसका उल्लेख पूर्व वक्ताओं ने भी किया,
एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे देश की है. एज अ सिविलाइजेशन वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. और आज तो हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यताएं जिनका उल्लेख किया जाता है वो सभ्यताएं 4,000-5,000 साल पुरानी है, किंतु भारत की सभ्यता अब जिस प्रकार से राखी गढ़ी या बिरान्ना में हम लोगों को उस समय के अवशेष मिले हैं, हमारी सभ्यता कम से कम आधुनिक रूप में विकसित रूप में 10,000 वर्ष पुरानी है. दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के प्रतीक हम हैं. दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारे देश में. दुनिया की सब प्रकार की विज्ञान की अवधारणाएं हमारे देश में. लेकिन गुलामी ने हमें ऐसा जकड़ा कि अंग्रेज तो चले गए पर आज भी हमारे विचारों पर जो उनका प्रेशर है वो हम खत्म नहीं कर पाए. और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आजादी के 75 वर्ष के बाद जो पीढ़ी मेरे सामने बैठी है उस पीढ़ी को ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग एक जब ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जो विकसित भारत है, जो विश्वगुरु है, तो ये केवल परिकल्पना नहीं है, ये केवल अवधारणा नहीं है. इस प्रकार के रोल में भारत रह चुका है, किंतु गुलामी के कारण और हमारी कुप्रथाओं के कारण, हमारी कुरीतियों के कारण हम गुलाम बने और गुलामी के कारण उस स्थान से हम नीचे गए. फिर एक बार वहां अगर पहुंचना है तो सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा. कोई एक व्यक्ति के प्रयासों से हम वहां नहीं पहुंच सकते, पूरे देश को प्रयास करना पड़ेगा. और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. सबका प्रयास ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसके कारण हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं. और हम सब लोग तो छात्र हैं, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते, विद्यापीठ को बिलोंग करते. लेकिन आजकल हम जो छात्र हैं ये दो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं. एक हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें हम पढ़ते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप की, सोशल मीडिया की. ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में रोज जो झूठ आता है, जो गलत गलत बातें आती है, उनसे हमारे मन में नकारात्मकता पैदा होती है. दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने बीच की नकारात्मकता निकाल दीजिए. ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमको मिले हैं ये नकारात्मकता फैलाने के लिए नहीं है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है. लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये स्वैराचार में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए. और हम ये समझे कि जब तक हम एक सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम देश को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे. नकारात्मकता बहुत आसान है, इट इज वेरी वायरल. एक नकारात्मकता आप डाल दीजिए तो वो लोगों में बहुत जल्दी फैलती है, कोरोना की तरह फैलती है, दिन दुनी रात चौगुनी फैलती है. लेकिन नकारात्मकता के भरोसे कोई देश खड़ा नहीं होता. देश खड़ा होता है संभावना के आधार पर, देश खड़ा होता है हिम्मत के आधार पर, देश खड़ा होता है युवाओं के आधार पर, देश खड़ा होता है विचारों के आधार पर, देश खड़ा होता है मूल्यों के आधार पर. और जब तक इन मूल्यों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस देश को बड़ा नहीं कर पाएंगे. और इसलिए कई बार जब हम लोग ये कहते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है तो हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, इसका जब हम विचार करते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के लिए करना, सीमाओं पर जाकर लड़ना सब लोगों के लिए संभव नहीं है.
हर जगह नेतृत्व करना सब लोगों के लिए संभव नहीं है। कम से कम हम कोई तो ऐसी चीजें करें हमारे कर्तव्य पथ पर जो हमसे अपेक्षित है, छोटी छोटी चीजें करें, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करें, तब भी हम देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज देखिए देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वो होता है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हम सबको लेकर साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम लोग क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इसको कई बार पूरा मानते हैं, मैं नहीं मानता। क्रिएशन ऑफ वेल्थ होना ही चाहिए, उसके सिवा कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्रिएशन ऑफ वेल्थ के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, संसाधन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये देश के विकास का मार्ग है। आज देखिए भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद एक प्रधानमंत्री के दिमाग में यह आता है कि मेरे देश में ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास बैंकों का खाता नहीं है। हम लोग आर्थिक समावेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं कि जिनके पास बैंक का अकाउंट ही नहीं, जिन्होंने बैंक का दरवाजा नहीं देखा। ऐसे 50 करोड़ लोगों को बैंक का खाता खुलता है, और केवल बैंक का खाता नहीं खुलता तो सारी की सारी सब्सिडी बिना किसी दलाली के सीधे उनके खाते में पहुंचती है, और करप्शन को इरेडिकेट किया जाता है, करप्शन को समाप्त किया जाता है। ये होता है समावेशी विकास। जब एक प्रधानमंत्री जी को लगता है हर घर शौचालय होना चाहिए और करोड़ों घर शौचालय बनते हैं, जब लगता है हर घर गैस का चूल्हा होना चाहिए तो गैस हर घर जाता है, जब हर गरीब को एक छत मिलनी चाहिए इसलिए करोड़ों घरों का निर्माण होता है, जब हर घर पीने का शुद्ध पानी जाना चाहिए इसलिए योजनाएं तैयार होती है, जब हर घर इलेक्ट्रिसिटी जानी चाहिए, ये 70 साल बाद ध्यान में आता है और 70 सालों के बाद हर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम शुरू होता है। ये है समावेशी विकास, ये है इंक्लूसिव ग्रोथ, ये है संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और अगर वेल्थ क्रिएट ही नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? और वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं होनी चाहिए और कौन करेगा? आप करेंगे, ये पीढ़ी करेगी। आज मुझे बहुत खुशी है जब मैं देखता हूं कि धीरे धीरे दुनिया में भारत स्टार्टअप में नंबर 2 हो गया, और ये स्टार्टअप एक ऐसा डिसरप्शन है कि जिसमें कोई गली का लड़का भी एक दिन एंटरप्रेन्योर बन जाता है। और जब स्टार्टअप यूनिकॉर्न में परिवर्तित होता है तो मैं ये देखता हूं कि एक सामान्य व्यक्ति 4 साल पहले जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसको कोई जानता नहीं था, ऐसा व्यक्ति भी एक यूनिकॉर्न तैयार कर देता है। और यूनिकॉर्न तैयार करके देश में वेल्थ का क्रिएशन तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो हजारों लाखों लोगों के हाथ को काम देता है। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी एबिलिटी है, ये जो हमारी ताकत है, यही ताकत भारत को आगे ले जा सकती है। आज जिस कगार पर हम खड़े, हमारे गिरीश महाजन जी ने कहा ये बात सही है, आज देश और दुनिया में भारत का एक अपना वजूद है, भारत की एक अपनी ताकत है, और दुनिया ये मानती है, एक पावर के रूप में हमको मानती है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और जल्दी ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, महाराष्ट्र में हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ये 5 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन की जो बात है, इस बात को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? तो हमारे सामने जो छात्र बैठे हैं या इस देश की जो तरुणाई है,
इस तरुणाई को मात्र तरुणाई अगर हम रखेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। इस तरुणाई को मानव संसाधन में परिवर्तित करना होगा। और मानव संसाधन में परिवर्तित करना इसका मतलब क्या है, तो इस तरुणाई को इस काबिल बनाना कि देश की अर्थव्यवस्था का एक भाग वो बन पाए, देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिभागी वो बन पाए, अर्थव्यवस्था में वो कंट्रीब्यूट कर पाए और उनके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था चले। और मुझे ऐसा लगता है आज देश में जो नई शिक्षा नीति हमारे देश ने लाई है, ये नई शिक्षा नीति हमारे देश को आगे ले जाएगी। क्योंकि इससे पहले हमारी शिक्षा नीति स्टैटिक थी, बहुत स्टैटिक हम काम करते थे। अगर मैं कॉमर्स पढ़ता तो मैं कॉमर्स ही पढ़ सकता था, मैं कॉमर्स के साथ साइंस नहीं पढ़ सकता था, मैं इंजीनियरिंग के साथ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में मैं जो भी पढ़ना चाहूं वो पढ़ सकता हूं। और नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा अगर कोई गुण है तो हमारी शिक्षा पद्धति अप्लाइड हो रही है। हम केवल किताबी कीड़े नहीं बनेंगे, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जब हमारे देश में सर्वे हुआ और उस सर्वे में यह पाया गया कि अगर 100 इंजीनियर भारत में बनते हैं तो उसमें से 25 इंजीनियर कॉम्पिटेंट है और 75 इंजीनियर इनकॉम्पिटेंट है, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो इस प्रकार की शिक्षा देश में डिग्री होल्डर तैयार करती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लायक या देश के हमारे जो अर्थव्यवस्था उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करने लायक हमारे समाज का निर्माण नहीं होता। अब नई शिक्षा नीति में हम लोग एम्प्लॉयबल इस प्रकार का मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है, भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारा विचार, भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारी सहिष्णुता, भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने दुनिया को जीता तो विचारों से जीता, गौतम बुद्ध के विचारों से हमने पूरे एशिया पर राज किया, लेकिन कभी हम तलवार लेकर नहीं निकले, तलवार के बलबूते पर दुनिया को जीतने का प्रयास हमने कभी नहीं किया। दुनिया भर के बहिष्कृतों को परिष्कृतों को हमने भारत में पनाह दी, भारत ने कभी उनको ये नहीं पूछा कि आप यहां क्यों आते हो, क्या ये धर्मशाला है, हम आपका भार क्यों वहन करें, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, समझने वाले हम लोग हैं, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये कहने वाले हम लोग हैं। और फिर एक बार उसी वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को आगे ले जाने का काम आने वाले दिनों में हमें करना होगा। और इसलिए हमारे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होगी तो हमारी सहिष्णुता होगी, हम एक दूसरे को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, हमारे बीच विवाद न हो, विचारों का विवाद हो सकता है लेकिन संवादहीनता न हो, हमारे बीच दरार न हो, हमारे बीच दीवार न हो। इस प्रकार की जब हम व्यवस्था को खड़ा करेंगे और छोटी छोटी चीजें जो हम में भेद करती है इन चीजों को जब हम समाप्त करेंगे, और सबसे बड़ी बात इस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है और यह आंदोलन है भ्रष्टाचार के विरोध का। मैं इस पीढ़ी से ये निवेदन करना चाहता हूं अगर हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया तो उसका एक कारण है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार को जब तक हम समूल नष्ट नहीं करते, जब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों को बहिष्कृत नहीं किया जाता, जब तक भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में इस देश में स्वीकारा जाता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं इस छात्र संसद से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का काम करें। और अगर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है तो हम भ्रष्टाचारी न बने ये तो है, भ्रष्टाचार को मदद न करें ये भी है, लेकिन
भ्रष्टाचारियों को चुनाव में चुनकर भी ना दे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को जब हम चुनकर देते हैं तो हम मुहर लगाते हैं कि आप चाहे जितना पैसा कमाओ, पैसे में से फिर सत्ता लाओ, फिर सत्ता से पैसा कमाओ, ये जो पैसा और सत्ता का सूत्र है, इस सूत्र को आशीर्वाद देने का काम जनता करती है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, केवल 11 सेकंड मेरे पास है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये देश आपकी ओर देख रहा है, इस देश को आप परिवर्तित कर सकते हो, इस देश में बदलाव आप ला सकते हो, इसलिए आप आगे बढ़कर निडरता के साथ और राष्ट्र प्रेम के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया है, क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से पन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजय हो हमारा। इस राष्ट्र विजय की संकल्पना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।